A very very good morning to all my dear students. Students, today in the literature class, I am going to teach you a very good prose, very good story from reader book, chapter number 5. Okay, and the story is all about a trip on the river by three men, and that is actually very much interesting story written by writer Jerome K. Jerome. You have heard about that, I think. Jerome Klapka Jerome, his full name. He was born on 1859 and died in 1927. He was a famous British humorist. Humorist means जो बहुत मजा करके कुछ भी चीज लिखते हैं उसको कहते हैं ह्यूमरिस्ट. हु अचीव्ड लास्टिंग फेम विद थ्री मैन इन ए बोट. थ्री मैन इन ए बोट नाम का एक प्रोज लिख के वो मशहूर हो गए हैं और सबके दिल में वो अपना जगह बना लिए है. द नोवेल सोल्ड ओवर ए मिलियन कॉपीज. लाखों लाखों कॉपीज बिक गया है इस बुक के लिए. एंड वाज लेटर एडॉप्टेड टू मूवीज. और बाद में ये जो थ्री मैन इन ए बोट इस कहानी को लेके मूवी भी बनाया गया है. और इसके अलावा क्या बनाया गया है, टीवी एंड रेडियो शोज एंड प्लेज फॉर द स्टेज. और टीवी के लिए शो और रेडियो के लिए शो और स्टेज के लिए भी प्ले बनाया गया है इस कहानी को लेके. सो व्हाट ए इंटरेस्टिंग प्रोज it was, you can imagine. Okay, so this prose has been transformed into movie feature films, TV shows, radio shows and plays for the stage. Okay, so three men in a boat, this is the main novel, this is the main story, and from there this extract has been taken. That means wo jo three men in a boat jo kahani hai उस कहानी में जो है वही कहानी है और वहाँ से छोटा सा करके इस जगह में दिया गया है और जिसका नाम दिया गया है इज नॉट देयर ए रूम एनी वेयर. किसी जगह पे क्या कोई रूम खाली नहीं है, यह है इसका हेडिंग. नाउ लेट अस मूव टू द स्टोरी. द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम ए स्टोरी अबाउट थ्री मैन हु टेक ए बोट ट्रिप डाउन रिवर थेम्स इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में थेम्स नाम का एक रिवर है और उस रिवर में तीन जन तो जा रहे हैं नाव चला के, तो उसी के जो स्टोरी है उसी स्टोरी से लिया गया है. दे हैव मैनी अम्यूजिंग एडवेंचर्स हियर इज वन. और इन लोगों को तीन लोग ये तीन जन है एक्चुअली दीज थ्री आर फ्रेंड्स. तीनों जो इंसान हैं तीन दोस्त हैं, ये लोग घूमने गए हैं नदी में नाव चला के. अब ये तीन लोग क्या क्या उन लोगों का सामना करना पड़ा, क्या क्या मुसीबतें, क्या क्या अच्छा अच्छा चीज, तो क्या क्या इन लोगों के जीवन में जिंदगी में हुआ है उसी को लेके सरल तरीके से हमारे राइटर जो है जेरोम के जेरोम इस कहानी को लिखे है. तो बहुत इंटरेस्टिंग है, यू जस्ट ट्राई टू लिसन केयरफुली. ओके, after you pass old Windsor the river is somewhat interesting uninteresting. agar tum old Windsor river jo jagah jo hai usko pass karke chale jate ho, usko paar karke chale jate ho, to baki jo rasta jo reh jata hai wo itna acha nahi hai, interesting nahi hai. as we were nearing Datchet, George asked me if I remembered our first trip up the river. हम लोग जब डैचेट नाम का जगह पास कर गए हैं तो उसके बाद जॉर्ज ने मुझे पूछा, मुझे मीन्स जेरोम के जेरोम जो राइटर जो है उनको जॉर्ज पूछा, क्या हम लोगों के पहला वाला जो ट्रिप है इसके बारे में तुम्हें कुछ याद है. एंड व्हेन वी लैंडेड एट डैचेट एट 10 o'clock एट नाइट एंड वांटेड टू गो टू बेड आई आंसर्ड दैट आई डिडंट रिमेंबर इट. 10 बजे हम लोग जब डैचेट पहुँच गए हैं और हम लोग बिस्तर पर सोने जा रहे थे उसी समय में मैं बताया, हाँ मुझे याद है पिछला टूर के बारे में. इट विल बी सम टाइम बिफोर आई फॉरगेट इट. और
मैं भूल जाने से पहले इसको मैं बता देना चाहता हूँ। इट वॉज द सैटरडे बिफोर द अगस्त बैंक हॉलीडे, और वे अगस्त महीने का बैंक हॉलीडे का समय था और सैटरडे भी था। ऑल थ्री ऑफ अस वर टायर्ड एंड हंग्री, हम तीनों लोग बहुत थकान महसूस कर रहे थे और बहुत भूख भी लग गए थे। एंड व्हेन वी गॉट टू डेचे वी टुक आउट द हैम्पर, हम लोग जब डेचे पहुंच गए हैं, हम लोग हमारा जो टोकरी था जिसमें सामान वामान भरते वो लोग हम लोग अनलोड कर लिए थे। द टू बैग्स, दो बैग था वो भी अनलोड कर लिए। एंड द ब्रैग्स एंड द कोट्स एंड स्टार्टेड अप टू लुक फॉर लॉजिंग, हम लोग जो कंबल वम्बल ले गए थे, जो कोट्स वगैरह ले गए वो भी गाड़ी से हम लोग निकाले और हम लोग चल दिए क्या ढूंढने के लिए, लॉजिंग ढूंढने के लिए, मतलब कुछ पल रहने के लिए जो जगह या होटल में हम लोग ढूंढते हैं उसके लिए। वी पास द वेरी प्रिटी लिटिल होटल, हम लोग छोटा सा एक सुंदर सा होटल को पास करके चले गए। बट देर वॉज नो हनीसकल अबाउट इट एंड फॉर सम रीजन और द अदर आई हैव गॉट माई माइंड फिक्स्ड ऑन हनीसकल एंड आई से ओ डोंट लेट्स गो इन देयर, क्या कारण है पता नहीं है, मुझे हनीसकल नाम का एक पौधा होता है जो खिड़की के ऊपर में ऐसे ऐसे उठते हैं, उसके ऊपर में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है और मैं बोल दिया कि इस तरह अगर कोई भी होटल में रहेगा तो उसी होटल को ही लेना है, तो इसीलिए हम लोग उस होटल को पास करके चले गए और लेने नहीं चाहे। लेट्स गो ऑन ए बिट फर्दर, चलो हम लोग थोड़ा दूर चलते हैं एंड सी इफ देयर इज नॉट वन विद हनीसकल ओवर इट, चलो दूर चल के देखते हैं कि ऐसा भी होटल मिल सकता है जहाँ पे हनीसकल हो सकता है, मतलब विंडो पे एक पौधा जो उठता है देखने में वो सुंदर लगता है, उस तरह होटल हमारा जो राइटर जो है जेरोम ग्रे उसको पसंद है, इसीलिए सामने वाला जो होटल है देखने में सुंदर था मगर उसको छोड़ के चले। सो वी वेंट ऑन टिल वी केम टू अनदर होटल, इसी तरह हम लोग चलते गए जब तक ना और एक होटल आ गया। दैट वॉज वेरी नाइस होटल टू, वो भी देखने में सुंदर था एंड इट हैड हनीसकल ऑन इट राउंड एट द साइड, और इस होटल के साइड में हनीसकल नाम का जो पौधा जो अच्छा लगता है वो था। बट हैरिस डिड नॉट लाइक द लुक ऑफ ए मैन विद रेड हेयर, मगर हैरिस को पसंद नहीं है एक इंसान को देख के ही जिसका बाल लाल किस्म का था, लाल था, हु वॉज लीनिंग अगेंस्ट द फ्रंट डोर, जो सामने के दरवाजे पे में क्या टेक के खड़े हुए थे, सामने के दरवाजे के सामने लगे हुए और खड़े हुए थे। He said he did not look a nice man at all and he wore ugly boots. और हरीश को इसने बोले कि मुझे तो लगता है ये यहाँ पे अच्छे लोग नहीं रहते हैं और ये जो इंसान खड़े हैं इसका गंदा जो जूता वो भी अच्छा नहीं है, तो इसलिए हरीश को पसंद नहीं है वो होटल। सो ही वेंट ए गुडिश वे विदाउट कमिंग अक्रॉस एनी मोर होटल्स, तो इस तरह हम लोग और भी बहुत सारे रास्ता चल दिए और चलते चलते रास्ते में इस तरह अच्छा कोई होटल हम लोग को नहीं मिला। एंड देन वी मेट ए मैन एंड आस्क्ड हिम टू डायरेक्ट अस टू अ फ्यू, उसके बाद हम लोगों के साथ एक इंसान के साथ मुलाकात हुआ, हम लोग उसको पूछे क्या ऐसा दो एक होटल का वो ठिकाना या तो एड्रेस बता सकते कि नहीं। ही सेड व्हाई यू आर बॉय कमिंग अवे फ्रॉम देम, तो बोलने लगे अरे आप लोग होटल छोड़ के इतना दूर में क्यों आ रहे हैं, यू मस्ट टर्न राइट राउंड एंड गो बैक, आप लोगों को दाएं तरफ घूम के पीछे तरफ भी जाना है। एंड देन यू विल कम टू द स्टैग, और आप लोगों को उसके बाद स्टैग नाम का एक होटल मिलेगा। वी सेड ओ वी हैव बीन देयर एंड डिड नॉट लाइक इट नो हनीसकल ओवर इट, और हम लोग बोलने लगे हाँ हम लोग होटल तो देख के चले हम लोग पसंद नहीं हुआ है और उसमें कोई हनीसकल नहीं है इसीलिए। वेल देन ही सेड देयर इज मैनर हाउस जस्ट ऑपोजिट, हाँ तब तो ठीक है, उसके ऑपोजिट में ठीक सामने में एक मैनर हाउस है, ठीक है। हैव यू ट्राइड दैट, क्या आप लोग उसको देखे हैं। हैरिस रिप्लाइड दैट ही वी डिड नॉट वांट टू गो देयर बिकॉज वी डिड नॉट लाइक द लुक ऑफ ए मैन हु वाज स्टॉपिंग देयर, हैरिस बोलने लगे कि हाँ हम लोग उस होटल में नहीं गए क्योंकि सामने जो एक इंसान खड़े थे उसका देख चेहरा थोड़ा पसंद नहीं है इसलिए हम लोग अभी नहीं गए। Well, I don't know what we will do, said our informants. हम लोग जो बता रहे थे वो इंसान बोले मुझे पता नहीं है आप लोग क्या चाहते हैं एक्चुअली, बिकॉज दे आर द ओनली टू इन्स इन द प्लेस, इस जगह में यही दो होटल है और होटल नहीं है। No other inns, exclaimed Harish.
हैरिस ने चौंक के बोले, अरे और कोई होटल नहीं है? नान, रिप्लाइड द मैन। विंसर बोले, नहीं और नहीं है। व्हाट ऑन अर्थ वी आर टू डू, क्राइड हैरिस। तो हैरिस तो बोलने लगा, अरे हम लोग क्या, किस जगह में आके यहाँ पे हम लोग आ गए, किस जगह में आ गए, पृथ्वी में ये कौन सा जगह है जहाँ पे दो ही होटल है। देन जॉर्ज पुका, उसके बाद जॉर्ज मुंह खोले, ही सेड हैरिस एंड आई कुड गेट ए होटल बिल्ट फॉर अस। और जॉर्ज बोलने लगे, क्या बोलने लगे, कि हैरिस और मुझे होटल बना लेना चाहिए, इफ वी लाइक, अगर हम लोग को पसंद है उस पसंद के तरह होटल बना लेना चाहिए। फॉर हिज पार्ट ही वॉज गोइंग बैक टू द स्नैक स्टैग। और जॉर्ज ने बोल दिया कि वो स्टैग नाम का जो होटल वहीं पर जा रहे हैं। हैरिस एंड आई साइड, हैरिस और मैं थोड़ा बड़ा सा सांस लिए, एंड फॉलो जॉर्ज, और जॉर्ज के पीछे पीछे चलते गए। व्हेन वी रीच द स्टैग द लैंडलॉर्ड केम अप एंड सेड गुड इवनिंग जेंटलमैन। हम लोग जब उस स्टैग नाम के होटल के सामने गए तो उस होटल का मालिक जो है सामने आ गए और हम लोगों को गुड इवनिंग बोलने लगे। ओह गुड इवनिंग सेड जॉर्ज, वी वांट 3 beds प्लीज। जॉर्ज बोले, हाँ गुड इवनिंग, हम लोग को 3 beds चाहिए। वेरी सॉरी सर सेड द लैंडलॉर्ड, बट आई एम अफ्रेड वी कैन मैनेज इट। और होटल का मालिक बोले, बहुत दुखी हम लोग हैं क्योंकि हम लोग कुछ मैनेज नहीं कर सकते। ओ वेल नेवर माइंड सेड जॉर्ज, 2 will do। जॉर्ज बोलने लगे, अरे ऐसे चिंता मत कीजिए, 2 bed होने से हम लोग उछल जाएंगे। 2 of us can sleep in 1 bed, हम दोनों एक बेड पे सो जाएंगे। कैंट वी, क्या हम लोग सो नहीं सकते हैं? ही कंटिन्यू टर्निंग टू हैरिस एंड मी, हैरिस और मेरे तरफ मुड़ के वो बोलने लगे कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। हैरिस सेड, ओ यस, ही थॉट जॉर्ज एंड आई कुड स्लीप इन वन बेड वेरी इजीली। हैरिस बोल दिया, हाँ हाँ ठीक। हैरिस सोचे कि जॉर्ज और मैं एक बिस्तर में सो जाऊंगा और हैरिस एक बिस्तर लेके आराम से सो जाएंगे, इसलिए वो बोल दिया, हाँ 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 ठीक है। वेरी सॉरी सर अगेन रिपीटेड द लैंडलॉर्ड, बट वी रियली हैव नॉट गॉट ए बेड वैकेंट इन द होल हाउस। और उस मालिक, मकान मालिक मतलब होटल के मालिक बोलने लगे, बहुत दुखी है हम लोग क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक भी रूम खाली नहीं है इस मकान पे। इन फैक्ट वी आर पुटिंग 2 and even 3 gentlemen in 1 bed एज इट इज। और की और हम लोग एक बिस्तर में 2-3 तो ऐसे ही सुला रहे हैं, एक दो मतलब 2-3 जन को एक बिस्तर में दे ही रहा है इस तरह। दिस स्टैगर्ड अस अ बिट, और ये सुन के हम लोगों को थोड़ा चौंकना पड़ा। बट हैरिस हु इज एन ओल्ड ट्रेवलर रोज टू द ऑकेशन। हैरिस जो है बहुत पुराने इंसान है, मतलब इस बारे में बहुत पुराने हैं घूमने के बारे में, ओल्ड ट्रेवलर। ओके, तो इस बार वो कुछ बोले, एंड लविंग चीयरली, और बहुत मजाक के हंसी हंसती है। सेड, ओ वेल वी कांट हेल्प इट। और उसके बाद बोले, हाँ हम लोग इस तरह नहीं कर सकते हैं, वी मस्ट लाफ इन, हम लोग थोड़ा अलग तरीके से सो सकते हैं और भी कष्ट उठा सकते हैं। यू मस्ट गिव अस ए स्पेस टू स्लीप इन द बिलियर्ड रूम। तो हर होटल में एक बिलियर्ड रूम रहता है, तो आप एक काम कीजिए, हम लोग बिलियर्ड रूम दे दीजिए, हम लोग उसमें ही सो जाएंगे। वेरी सॉरी सर, 3 gentlemen आर स्लीपिंग ऑन द बिलियर्ड टेबल हियर ऑलरेडी। महाशय बहुत दुखी हूँ, 3 जन इंसान अभी बिलियर्ड टेबल में सोए हुए हैं। एंड 2 in the coffee room, 2 जन तो कॉफी रूम में सोए हुए हैं। कांट पॉसिबली टेक यू इन टू नाइट, आज रात आपको हम लोग नहीं सकते, नहीं ले सकते इस होटल के अंदर। वी पिक्ड अप आवर थिंग्स एंड वेंट ओवर टू मैनर हाउस, हम लोग अपना सामान को ले लिए और सामने जो उल्टा दिशा में जो मैनर हाउस है उसमें हम लोग चले गए। इट वॉज ए प्रिटी लिटिल प्लेस, वो जगह अभी सुंदर है, क्यों, क्योंकि हम लोग को मिल नहीं रहा है, एक जगह पे जाना नहीं चाहते थे, उस जगह पे जाके देखा कुछ नहीं है, अभी सामने जो आ रहा है वो अभी सुंदर लगने लगा। आई सेड आई थॉट आई शुड लाइक इट बेटर देन द अदर, मैं बोलने लगा ठीक है मुझे लगता है ये होटल सही है पिछला वाला से। एंड हैरिस सेड, और हैरिस बोले, क्या बोले, ओह यस इट विल बी ऑलराइट एंड वी नीड नॉट लुक एट द मैन विद द रेड हेयर। हैरिस बोलने लगे, हाँ हाँ हम लोग ये होटल अच्छा लगता है और ये होटल लेना चाहिए, हम लोग वो इंसान जो है जो लाल बाल वाला उसको देखना ही नहीं चाहिए। बिसाइड्स द पुअर फेलो कैनॉट हेल्प हैविंग रेड हेयर,
और इसके अलावा वो इंसान और क्या कर सकते हैं। हैरी स्पोक क्वाइट काइंडली एंड सेंसिबली अबाउट इट, और बहुत दया से बहुत दुख दर्द भरा आवाज में इस तरह बोले, जैसे कि वो इंसान उनको ही लगता है उनका कोई रिलेटिव रिश्तेदार है। द पीपल एट मैनर हाउस डिड नॉट वेट टू हियर अस टॉक, मैनर हाउस में जो लोग थे वो लोग हम लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। द लैंडलेडी मेट अस ऑन द डोरस्टेप विद द ग्रीटिंग दैट वी वेयर द 14th पार्टी शी हैड टर्न्ड अवे विद इन द लास्ट आवर एंड हेल्प। उस मकान के मालिक का जो वाइफ मतलब मालकिन जो है लैंडलेडी जो है वो हम लोगों को दरवाजे में मिले और हम लोगों को ग्रीटिंग किए, वेलकम भी किए, और उसके बाद बोले लगे कि हम लोग 14th पार्टी है जितना वो इतना भगा दिए है, मतलब 13 पार्टी को पहले से वो ना कर दिए, अभी हम लोग 14th पार्टी है जिन लोगों का ना कर रहे, मना कर रहे। एज फॉर आवर बिग सजेशंस ऑफ स्टेबल्स बिलियर्ड रूम्स और कोल सेलर्स शी लाफ्ड एट देम। फिर उसके बाद हम लोग जब थोड़ा धीरे से बोले कि हम लोग को बिलियर्ड रूम होने से चल जाएंगे, घोड़े का सोने का जगह है वो अगर मिलेगा चलेंगे, या तो कोल सेलर जहाँ पे कोयला जलते हैं उस जगह में भी हम लोग रह सकते हैं, और ये सुन के और थोड़ा हंसे। ऑल दीज नुक्स हैड बीन स्नैच्ड अप लॉन्ग एगो, और उसके बाद औरत मतलब मालकिन जो है बोलने लगे अरे वो सब कोने तो पूरा भर गए पहले से ही, इस तरह छोटा छोटा जो कोने जो है वो भी भर चुके हैं। डिड शी नो ऑफ एनी प्लेस इन द होल विलेज वेयर वी कुड गेट शेल्टर फॉर द नाइट उसके बाद हम लोग पूछे क्या उसको ऐसा कुछ गांव ऐसा कुछ जगह का पता है उस गांव में जहाँ पे हम लोग उस रात को पना ले सकते हैं। वेल इफ यू डिड नॉट माइंड रफिंग इट शी डिड नॉट रिकमेंड इट, और उसके बाद वो बोले हाँ वो बता सकते हैं मगर हम लोगों को अगर अच्छा नहीं लगेगा तो बोल नहीं सकते, फिर भी वो बोले क्योंकि बोलना नहीं चाहते थे। बट देयर वॉज अ लिटिल इन हाफ ए माइल डाउन ईटन रोड, एक आधा माइल दूरी पे जाने के बाद एक ईटन रोड में एक रहने का जगह है। वी वेटेड टू हियर नो मोर, वी पिक्ड अप द हैम्पर एंड द बैग्स एंड द कोट्स एंड रग्स एंड पर्सल एंड रैन, हम लोग और इंतजार नहीं किए सुनने के लिए, हम लोग जितना सारा सामान था उसको लेकर हम लोग चलते हैं दौड़ने लगे। द डिस्टेंस सीम्ड मोर लाइक ए माइल देन हाफ ए माइल, हाफ माइल नहीं था वो एक माइल से भी ज़्यादा लग रहा था हम लोगों पास। बट वी रीच द प्लेस एट लास्ट एंड रश्ड इनटू द इन पेंटिंग, हम लोग बहुत मुश्किल से वहाँ पर पहुँच गए और पहुँच के अंदर में घुस गए और उसके बाद हाँफने लगे, पेंटिंग मीन्स हाँफना। द पीपल एट द इन वेयर रूड, उस मकान के इंसान लोग बहुत खरब क्या बोलते हैं रूड किस्म का है, मतलब खरोस किस्म का है, खरस किस्म का है। दे मियरली लाफ्ड एट अस, हम लोग को देख के वो लोग हंसने लगे। देर आर ओनली 3 बेड्स इन द होल हाउस एंड दे हैड 7 सिंगल जेंटलमैन एंड 2 मैरिड कपल स्लीपिंग देयर ऑन, और वो बोलने लगे कि 3 ही बेड उस पूरा मकान में है और उस 3 बेड में ऑलरेडी 7 इंसान और 2 मैरिड कपल मतलब 11 जन ऑलरेडी है। And they had and a kind-hearted sailor, however, who happened to be there, thought we might try the grocer's next door to stag, and so he went back. वहाँ पे एक इंसान थे थोड़ा दयालु किस्म के, वो एक सेलर मतलब वो नाव चलाते हैं या तो जहाज चलाते हैं ऐसे कोई है, वो हम लोग को सलाह दिए कि उस रात को हम लोग जो स्टैग नाम का होटल था उसके साइड में एक किराना दुकान है उस जगह में हम लोगों को मिल सकता है कुछ जगह। द ग्रोसर्स वाज फुल, और उस घर भी भर चुका था। एन ओल्ड वुमन वी मेट इन द शॉप देन काइंडली टू अस अलोंग फॉर ए क्वार्टर ऑफ माइल टू ए लेडी फ्रेंड ऑफ आर्स हु ऑप्शनली लेट रूम्स टू जेंटलमैन, और उसके बाद हम लोग उस दुकान पे एक औरत के साथ मुलाकात हुआ हम लोगों को जो हम लोगों को थोड़ा एक माइल का एक चौथाई जो है मतलब 1/4 ऑफ ए माइल जो है डिस्टेंस, उस डिस्टेंस में उन लेडी उस औरत का एक दोस्त रहती है जो कि बीच बीच में किराए पे देते हैं मकान उसके घर ले गए। दिस ओल्ड वुमन वॉक्ड वेरी स्लोली,
एंड वी आर 20 मिनट्स गेटिंग टू हर लेडी। फ्रेंड्स, ये औरत जो हम लोग को लेके चले वो बहुत धीरे धीरे चलने लगी और हम लोग को 20 मिनट चलना पड़ा उसके पीछे पीछे उस औरत की दोस्त के घर जाने के लिए। शी एलिमेंट द जर्नी बाई डिस्क्राइबिंग टू अस, और हमारा चलने का रास्ता बहुत अच्छा से वो कहानी सुना के मतलब कुछ बताते हुए लेके गए, जो कि हम लोग को इतना परेशानी नहीं हुआ चलते हुए। एज यू ट्रेड अलॉन्ग द वेरियस पेन्स शी हैड इन हर बैग, और हम लोग जब पीछे चलते गए वो अपना जिंदगी का बहुत सारा दुख दर्द का कहानी बताते गए। हर लेडी फ्रेंड्स रूम वेर लेट, और हम लोग जब उस औरत के दोस्त के घर जाए गए तो ऑलरेडी किराए पे दे चुके थे। फ्रॉम देयर वी वेयर रिकमेंडेड टू नंबर 27, वहाँ से हम लोगों को 27 नंबर जाने के लिए बोला गया है। नंबर 27 वॉज फुल और वो भी भर गया था, एंड सेंट अस टू नंबर 32 में हम लोगों को भेजा गया, एंड नो 32 वॉज नंबर 32 वॉज फुल, और 32 नंबर में जो रूम है वो भी भर गया था। देन वी वेंट बैक टू द हाई रोड, उसके बाद हम लोग हाई रोड में चले गए, एंड हैरी सैट डाउन ऑन द हैम्पर एंड सेड ही वुड गो नो फर्दर। हैरी क्या किए, हैम्पर के ऊपर में बैठ गए और बोलने लगे और वो नहीं चल सकते और सामने नहीं जाएंगे और आगे नहीं जाएंगे। ही सेड इट सीम्ड अ क्वाइट स्पॉट, और उसको लगा वो जगह बहुत शांत जगह है, एंड ही वुड लाइक टू डाई देयर, और वो ये भी बोल दिए हैरी को वहीं पे मरना चाहते हैं। He requested George to kiss his mother for him, और जॉर्ज को हरीश रिक्वेस्ट किए कि उनके हो हरीश के जगह में जॉर्ज जाके उसको मामी को थोड़ा किस करने के लिए, एंड टू टेल ऑल हिज रिलेशंस, और जितना सारा रिश्तेदार लोग हैं उनको बोलना है बताना है दैट ही हैड फॉरगिव देम एंड डाइड हैप्पी, और उसको बताना है कि हरीश उन लोगों को माफ़ कर दिया है और वो शांति से मर गए। एट दैट मोमेंट एन एंजल केम इन डिसगाइज ऑफ ए स्मॉल बॉय, उसी समय में एक छोटा सा लड़के जैसे कि एंजल के रूप में आए, एक परी के रूप में आ गए। एंड आई कैनॉट थिंक ऑफ एनी मोर इफेक्टिव डिसगाइज एन एंजल वुड हैव अस्यूम्ड, और लेखक ने बोल रहे हैं कि उसी समय में एंजल ही बता सकते हैं इस तरह बच्चा जो आए जो हम लोग इतना मदद किए, तो एंजल ही हम लोग बोल सकते हैं, इसके अलावा और कुछ उसको बता नहीं सकते। वी आस्क दिस हेवनली मैसेंजर, आसमान से जैसे कोई फरिश्ता आए हैं इस तरह एक जन को हम लोग उस समय बोलने लगे। इफ ही न्यू ऑफ एनी लोनली हाउस, हम लोग पूछे कि ऐसा कोई खाली मकान उसको पता है हुज ऑक्यूपेंट्स वेयर फ्यू एंड फीबल, जिनमें रहने वाले लोग या तो बूढ़े औरत बूढ़ी औरत या तो पैरालाइज्ड कोई इंसान, मतलब जिसका लकवा हुआ है इस तरह पैरालाइज्ड इंसान है क्या नहीं, तो क्यों इस तरह हु कुड बी इजिली फ्राइटेड इनटू गिविंग अप देयर बेड्स फॉर द नाइट, क्योंकि इस तरह होने से डरा धमका के उन लोगों को बिस्तर को लिया जा सकता है उस रात के लिए। टू थ्री डिस्परेट मैन और इफ इट नॉट दिस कुड बी रिकमेंड अस टू एन एम्प्टी स्टेबल, अगर इस तरह हो नहीं सकता है तो ऐसा कोई एक खाली स्टेबल का बता सकते हैं, स्टेबल मतलब जहाँ पे घोड़े लोग रहते हैं या तो गाय लोग रहते हैं, और एनीथिंग ऑफ दैट शॉर्ट, और इस तरह और कुछ अगर खाली है तो ओके बता सकते हैं, हम लोग पूछ लेंगे उसे। ही डिड नॉट नो ऑफ एनी सच प्लेस, उसको इस तरह कोई जगह का पता नहीं था, बट ही सेड इफ वी लाइक टू कम विद हिम हिज मदर हैड ए रूम टू स्पेयर, और वो ये बोलने लगे अगर हम लोग उनके पीछे पीछे जाएंगे तो उसका मम्मी उनके लिए घर छोड़ सकते हैं, एंड कुड पुट अस अप फॉर द नाइट, और रात के लिए हम लोगों को रख सकते हैं। वी फेल अपॉन हिज नेक देयर इन द मूनलाइट एंड ब्लेस्ड हिम, चांद की रोशनी में हम लोग उसको देखते ही क्या किए उसको इस तरह बात करते हैं उनके ऊपर में हम लोग टूट पड़े, जैसे उनको हम लोग जैसे भगवान के रूप में मिल गया, हम लोग उनके ऊपर में गिर पड़े और ब्लेस्ड हिम उसको आशीष देने लगे। And he would have made a very beautiful picture if the boy himself had not been so overpowered by our emotion and sunk to the ground. अगर उस बच्चे इंसान के ऊपर में हम लोग इस तरह नहीं गिर जाते, अगर वो ठीक ठाक खड़े रहते और हम लोग इतना आशीष इतना प्यार करते, अगर वो पिक्चर अगर कोई लेता तो वो पिक्चर सबसे अच्छा पिक्चर होता,
मगर ऐसे नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग उस बच्चे को दबा दिए थे, उसके ऊपर हम तीनों गिर पड़े थे, बच्चे को दिख नहीं रहा था। ओके, लेटिंग अस ऑल डाउन ऑन टॉप ऑफ हिम, उसके ऊपर में हम लोग सब गिर पड़े, मतलब इतना प्यार आ गया उस बच्चे के ऊपर, जैसे हम लोग छोटे बच्चे को प्यार करते तो उसके ऊपर में गिर के तीनों ले प्यार करने लगे, बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। अगर बच्चा दिखाई देता, अगर कोई फोटो खींचता तो सबसे अच्छा पिक्चर बन जाता हमारे राइटर के लैंग्वेज। Harry was so overcome with joy that he started off at a run with the boy and left George and me to bring on the luggage. Harish इतना खुश हो गए थे कि बच्चे के पीछे पीछे दौड़ने लगे और लगेज वगैरह जो है जॉर्ज और मेरे लिए छोड़ के चले गए, जैसे हम लोग लेके जाएंगे। It was a four-roomed cottage where the boy lived, जहाँ पर बच्चा रहता था वो four-roomed cottage है, मतलब एक चार कमरा वाला एक मकान। His mother a good soul, उसका मम्मी बहुत महान महात्मा इंसान है, मतलब बहुत अच्छे इंसान है। Gave us hot meat for supper, रात के लिए हम लोगों को गरम गरम मांस दिए। And we ate it all 5 pounds, और हम लोग 5-5 pound खा लिए। And a jam turned afterwards, उसके बाद हम लोग जैम भी खाए। And 2 pots of tea, दो पॉट टी वी पिए। एंड देन वी वेंट टू बेड, उसके बाद हम लोग बिस्तर में गए। देयर आर टू बेड्स इन द रूम, उस रूम में दो बिस्तर था। देयर आर टू बेड्स इन द रूम एंड वन वाज 2 feet and 6 inches बेड, एक बिस्तर था 2.5 feet चौड़ा, ओके, जो कि एक जन इंसान के सोने के लायक है, ओके। And George and I slept in that. और उसमें जॉर्ज और मैं सो गए। And kept ourselves in by tying ourselves together with a sheet. और हम एक दूसरे को, हम दोनों एक दूसरे को बांध लिए बेड शीट के द्वारा, ताकि हम दोनों गिर ना जाए, क्योंकि एक जन इंसान के बिस्तर में दो जन सो जाएंगे तो गिर सकते कोई भी। हम लोग चादर से अपने आप को बांध लिए, एक दूसरे को बांध लिए। The other was the little boy's bed. और दूसरा जो बिस्तर रह गया वो है छोटा बच्चा का बिस्तर। And Harish had that all to himself. Harish उस बिस्तर में पूरा अपने आप को लेके सो गए। And we found him in the morning with 2 feet of bare leg sticking out at the bottom. और हम लोग सुबह जब हरीश को देखे तब देखे उसका 2 feet, मतलब 2 feet of bare leg, उसका पैर जो है, पैर का 2 feet कम से कम हिस्सा जो है sticking out at the bottom, बिस्तर के बाहर है, मतलब इतना छोटा बिस्तर है उसका पैर नहीं गया, पैर का 2 feet बाहर तरफ ही टंगा हुआ है। एंड जॉर्ज एंड आई यूज्ड इट टू हैंग द टॉवल्स ऑन द वॉल वी बेड। और जॉर्ज और मैं सुबह जब नहाने गए तो उस समय में हैरिस का जो पैर बाहर में आ चुका था उसका हम लोग इस्तेमाल किए हमारा टॉवल को टांगने के लिए, टावल को रखने के लिए जब हम नहाने गए। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। आई थिंक यू हैव लाइक दिस, दिस इज अ फनी स्टोरी, ओके। दो इट वाज अ जर्नी, सिंपल जर्नी, बट द थिंग्स हैपन वर वेरी मच फनी एंड द राइटर हिमसेल्फ रोट इट सो फनीली दैट एवरीबॉडी वुड लव इट। दैट्स व्हाई द राइटिंग्स ऑफ जेरोम जेरोम आर सो इंटरेस्टिंग, सो पॉपुलर, that it is very much widely read throughout the world, and you can understand that his story has been transformed into movies, plays, and TV and radio shows. Okay students, bye bye for the day. I think you love the story and you would read the story of your own aloud and rapidly, okay.